बुदेनखंड की गायिका कविता शर्मा हमारे साथ है और अभी ये कुछ दिनों से इनके काफी अच्छे गाने वायरल भी हो रहे हैं और काफी सराहे जा रहे हैं। खासकर समधी और समधन के बीच जो नोकझोंक होती है वो गाना इनका बड़ा ही चर्चा में है सोशल मीडिया पर भी। तो हम कविता से ही बात करते थोड़ा सा, पहले तो वो समधी समधन की जो नोकझोंक है बुंदेली में वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुनाइए। वही वाला गाना, आगड़दम बागड़दम नॉन ज्यादा मिर्ची कम के खाओ तुम और पर से हम घर में से निकरे रिपट परे जीना पे जादार बगर गई दो ना काय ना ल्याए जो भात बगर गो दो ना काय ना ल्याए जकड़ी बगर गई दो ना काय ना ल्याए अब की बेरा दो ना ल्याइयो पातर ल्याइयो अब की बेरा दो ना ल्याइयो पातल ल्याइयो अपनी जिज्जी घर ही करे आइयो जमाए भग जा दो ना काय ना ल्याए जब बारे कर जा दो ना काय ना ल्याए। अब थोड़ा सा इसका हिंदी में कि दार बगर गई कड़ी, ये क्या है हम दर्शकों को भी बताना चाहते हैं। ये विवाह गारी है, जीवनार विवाह गारी है, तो इसमें जो समधन है वो अपनी समधी को टीस करते हुए बोल रही है कि अगर तुम दोना ले आते और पातर ले आते अपने साथ तो ये जो दाल और भात बगर रहा है तो ये नहीं बगरता। और अंतरी में कह रही है कि तुम भी आ गए और अपनी बहन को भी ले आए तो अपनी ये बहन को ना घर करके आई हो, बहन को ले आने की जरूरत नहीं है, मतलब मजाक के तौर पे बोल रही हो। बुंदेली में कई और भी अच्छी लोक गीत हैं और कई ऐसे गाने जैसे भी राम को लेकर भी आपने थोड़ा सा वो भी अगर सुना जो भी गा रही थी। अयोध्या से राम बना जी बने आए, अयोध्या से राम बना जी बने आए, बना जी बने आए दूल्हा जी बने आए, अयोध्या से राम बना जी बने आए, माथे हो मोरे तुम बांधो राजा बन रे सुकले गेन बीच सिया जू ब्याह ल्याए, सुकले गेन बीच सिया जू ब्याह ल्याए, अयोध्या से राम बना जी बन आए। बुंदेली समागम में जो आपका ये जो समधी समधन के नोकझोंक वाला गीत एक 10 मिलियन इतना जा चुका है, किस तरह का खुशी होती है जब इतना लोग सराहते हैं तारीफ मिलती है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मतलब मैंने 2-4 दिन हो गए उस गाने को डले हुए, तो मैं देख रही हूँ कि मैं फेसबुक या अपना इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब खोल रही हूँ तो देख रही हूँ कि लोग काफी प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सबसे पहले तो मैं अपने भैया, बड़े भैया संजय सचिन भैया का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने बुंदेली समागम में हमें मौका दिया गाने का और अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया, तो पूरी बुंदेली बौछार टीम को और हमारे सचिन भैया को बहुत 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 धन्यवाद। और लोकगीतों को अच्छी लोकप्रियता बढ़ती है तो एक खुशी भी होती है, और किस तरीके से अब लगता है कि लोकगीतों का वापस से दौर आया है या युवाओं को मौका मिल रहा है? जी मुझे तो लग रहा है कि अभी दौर अभी आया नहीं है, मतलब मुझे लग रहा है कि आएगा अभी दौर, क्योंकि जिस तरह से लोग पसंद करें तो मुझे लग रहा है कि अगर लोग पसंद करें तो अब और जो दूसरे लोग हैं जो गा रहे हैं मतलब गाते हैं तो मुझे लगता है बुंदेलखंड को जब इतना ज्यादा पसंद करें तो मुझे लगता है कि लोग गाएंगे भी और इस चीज को और बढ़ावा मिलेगा। देखिए ये है बुंदेली गायिका कविता शर्मा जिनके बुंदेली गीत अभी काफी सराहे जा रहे हैं और खूब उन्हें अच्छी तारीफ भी मिल रही है। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल।